साल 2013 बॉलीवुड के लिए काफी फ्रूटफुल रहा। 2013 फिल्मों की रिकॉर्ड तोड़ कमाई वाला साल रहा। इस साल टोटल 9 फिल्मों ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। 2 फिल्मों ने तो 200 करोड़ का आंकड़ा भी छुआ। इस साल बॉलीवुड को उसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी मिली। चेन्नई एक्सप्रेस, ये जवानी है दीवानी, कृष 3, धूम 3 और रामलीला जैसी फिल्मों से न सिर्फ बम्पर कमाई हुई बल्कि मेल स्टार्स ने एक बार फिर अपना स्टारडम साबित किया। जहां एक तरफ स्टार्स अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहे, वहीं वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी गॉसिप का टॉपिक बने। 2013 खत्म हो रहा है, ऐसे में इस साल के बॉलीवुड की टॉप फिल्मों पर एक नजर। तो हमारे इस हिट काउंटडाउन में नंबर 9 पर आती है रेस 2, जो एक थ्रिलर मूवी है और इसे देखकर तो कहना ही पड़ेगा कि थ्रिलर में भी दम है। 2008 में आई थी रेस। अब्बास मस्तान इसका सीक्वल 2013 में लेकर आए, जो इस साल 100 करोड़ क्लब में एंट्री लेने वाली पहली फिल्म बनी। ढेर सारे सितारों से सजी इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को क्रिटिक्स का साथ नहीं मिला, लेकिन ऑडियंस ने फिल्म को सुपरहिट बना दिया। दिस ईयर इस फिल्म में 102 करोड़ की कमाई पर बॉक्स ऑफिस पर साल की पहली 100 करोड़ क्लब की फिल्म बनी। इस फिल्म में अनिल कपूर, सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण, जॉन इब्राहिम, जैकलिन फर्नांडिस ने अपनी एक्टिंग से लोगों को अपना दीवाना बनाया। सो आपके सस्पेंस को थोड़ा और बढ़ाते हैं और अपने काउंटडाउन में नंबर 8 पर आने वाली फिल्म के बारे में बताते हैं। हमारे इस काउंटडाउन में नंबर 8 पर आने वाली फिल्म है ग्रैंड मस्ती। बॉलीवुड में एडल्ट कॉमेडी पहले भी बनी है पर इतनी सफल कभी नहीं रही। मस्ती के सीक्वल फिल्म ने पहली बार ऐसी उम्मीद जताई कि डबल मीनिंग और जिस्म की नुमाइश से भी बड़े पर्दे पर बड़ी कमाई की जा सकती है। फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवादों में फंसी और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने तो पंजाब और हरियाणा में इसकी रिलीज पर बैन भी लगा दिया। खैर, फिल्म रिलीज हुई और युवा दर्शकों ने इसे खूब देखा। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पूरे 102 करोड़ का बिजनेस कर लिया। 100 करोड़ क्लब में शामिल होकर सबको चौंका दिया इस फिल्म ने। इस फिल्म में रितेश देशमुख, आफ्ताब शब्दसानी, विवेक ओबेरॉय मुख्य भूमिका में नजर आए और दर्शकों को हंसाते हुए भी दिखाई दिए। अब लिए चलते हैं आपको अगली मूवी की तरफ। हमारे काउंटडाउन में अगली और सातवीं मूवी है भाग मिल्खा भाग। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की जीवन पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग एक हार्ड हिटिंग स्टोरी है। रंग दे बसंती बनाने वाले राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने उनकी जिंदगी पर ये फिल्म बनाई और क्या खूब बनाई। चैंपियन कैसे बनते हैं देखना हो तो ये फिल्म देख सकते हैं। फरहान ने पर्दे पर मिल्खा के किरदार को जिंदा कर दिया और अच्छा सिनेमा पसंद करने वाले लोग भाग मिल्खा भाग की कामयाबी से सुकून ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये उम्मीद जगाती है कि बॉक्स ऑफिस पर सफलता हर बार नॉनसेंस एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं होती। इस हार्ड हिटिंग स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर 102 करोड़ की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर खुद को प्रूव किया। फरहान अख्तर, सोनम कपूर ने इस मूवी में मेन रोल प्ले किया है। सो बढ़ते हैं अब हमारी अगली मूवी की ओर, जिसने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया इवन सबके दिलों में एक रोमांटिक माहौल क्रिएट किया। एक एटीट्यूड से भरे स्टार सिंगर और उसके प्यार की कहानी है आशिकी 2। सिर्फ 9 करोड़ में बनी इस फिल्म के जब तो बॉलीवुड बाजार पर पैनी नजर रखने वाले भी हैरान हो गए। आदित्य रॉय कपूर और शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म से बता दिया कि उनमें लंबी रेस के घोड़े वाला तमाम गुण मौजूद हैं। फिल्म अच्छी बनी तो इसका श्रेय डायरेक्टर मोहित सूरी को भी दिया गया। मूवी में हार्ट टचिंग सॉन्ग्स इस मूवी को ना भूल पाने का एक बड़ा रीजन है। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर प्यार बिखेरते हुए 102 करोड़ की कमाई की। हमारे इस काउंटडाउन में बॉक्स ऑफिस पर गोलियों की बौछार करते हुए अगली मूवी आती है गोलियों की रासलीला रामलीला। दो ऑब्जेक्ट पार्टीज के नौजवान वारिसों के इश्क की कहानी थी रामलीला। शेक्सपियर के नाटक रोमियो जूलियट को गुजरात ले आए संजय लीला भंसाली और वो भी अपने जाने पहचाने रंग रंगीले फ्लेवर में।
फिल्म को भंसाली की कलरफुल कमबैक फिल्म कहा गया। इससे पहले उनकी फिल्म सावरिया और गुजारिश बॉक्स ऑफिस पर ठंडी ही साबित हुई थी, पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के इम्प्रेसिव एक्ट और काफी आलोचनाओं के बाद आखिरकार इस मूवी ने 110 करोड़ की कमाई की। तो अब हार्ट बीट्स को थोड़ा और बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली अगली मूवी की ओर। ये जवानी है दीवानी, इस फिल्म से रणबीर कपूर ने एक बार फिर साबित किया कि वो बॉलीवुड के भविष्य हैं। वहीं दीपिका के नखरों और खूबसूरत एक्ट ने सबका दिल जीत लिया। एक स्टूडियस और गंभीर लड़की और एक फकड़ मिजाज आवारा लड़का, दोनों की इमोशनल करती प्रेम कहानी थी। ये फिल्म युवाओं को बेहद पसंद आई। अयान मुखर्जी निर्देशित ये फिल्म 31 मई को रिलीज हुई थी। बेहतरीन ट्रेलर और गानों ने पहले ही फिल्म को खास चर्चा में ला दिया। इस बेहतरीन मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 190 करोड़ का बिजनेस किया। अपने दिल की धड़कनों पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अब हम आपको ले चलते हैं अगली और इस साल की बेहतरीन धमाकेदार मूवी चेन्नई एक्सप्रेस की तरफ। कॉमेडी ऑन ट्रैक पर चेन्नई एक्सप्रेस की सफलता की उम्मीद तो सबको थी, लेकिन ऐसी जबरदस्त कामयाबी की कल्पना शायद किसी ने ना की होगी। 40 प्लस के एक कुंवारे लड़के के किरदार में शाहरुख और साउथ इंडियन डॉन की फनी एक्सेंट वाली बहन के रोल में दीपिका पादुकोण लोगों को बेहद पसंद आई। रोहित शेट्टी ने भी कॉमेडी और एक्शन का भरपूर सहारा लिया, लिहाजा धांसु कहानी होने के बावजूद फिल्म ना सिर्फ चली बल्कि ऐसी चली कि देखने वाले देखते ही रह गए। इस फिल्म ने 226 करोड़ की कमाई कर सबको चौंका दिया और इस ईयर की नंबर 3 पर रही ये फिल्म। सो व्यूअर्स, अब हम बताते हैं आपको हमारी अगली मूवी के बारे में, जो है क्रिश 3। क्रिश 3 सुपर हीरो और सुपर हिट कोई मिल गया सीरीज की ये फिल्म बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड तोड़ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। क्रिश 3 ने शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को पीछे छोड़ ये मुकाम हासिल किया। सुपर हीरो क्रिश पर आधारित ये फिल्म बच्चों और परिवारों को खूब पसंद आई। मजेदार बात ये है कि क्रिश 3 और चेन्नई एक्सप्रेस दोनों फिल्मों ने ही रिलीज के 4 दिन के अंदर ही 100 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, विवेक ओबेरॉय, कंगना रनौत जैसे सितारों से सजी इस फिल्म ने 240 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर इस साल नंबर 2 की पोजीशन पर रही। सो व्यूअर्स, नाउ इट्स टाइम टू कंट्रोल ऑन योर हार्ट बीट्स, क्योंकि टाइम है इस साल की बेहतरीन नंबर 1 मूवी का, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस साल की नंबर 1 मूवी रही नॉन अदर देन धूम 3। आमिर खान की फिल्म धूम 3 की पहले दिन की कमाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बादशाह खान की बादशाहत को भी मात दे दी है। फिल्म ने पहले दिन ही टोटल 36.22 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जबकि इससे पहले शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस ने ऑलमोस्ट 33.12 करोड़ रुपए की कमाई की थी। आमिर खान और अभिषेक बच्चन की इस थ्रिलर को पहले दिन ही जो सफलता मिली है उससे आमिर खान बेहद खुश हैं। आमिर खान, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा और कटरीना कैफ जैसे सितारों से सजी इस फिल्म का धमाल अभी भी जारी है। अब देखना ये होगा कि ये कैसे आंकड़े तोड़ पाती है साल 2013 में, और इसके साथ ही आने वाले साल 2014 में सबकी नजरें रहेंगी आने वाली फिल्मों पर कि साल 2013 की 100 करोड़ की क्लब की हिस्सा बनने वाली फिल्मों के बाद कौन से करोड़ क्लब का हिस्सा बनेगी। एंटरटेनमेंट डेस्क से प्रिया के लिए हरलीन कौर, डे नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।